हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताने वाली हूँ। जैसे कि डी वाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन है तो इसका आएगा एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एक्स एन प्लस वन प्लस सी। साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम साइन के पदों में माइनस लगाते हैं और इंटीग्रेशन में हम कॉस सी के पदों में ही माइनस लगा सकते हैं। तो जैसे कि कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। टेन एक्स है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन इन होगा कॉस एक्स प्लस सी, इन मतलब लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी माइनस आ जाएगा। और अगर हम इसको प्लस में करना चाहते हैं तो इसका उल्टा आएगा, इसका प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। इसका अगर हम करना चाहेंगे तो कॉट है तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अगर इसको हम माइनस में करना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब कॉसेक है तो कॉसेक का होगा माइनस को, क्योंकि सी के पदों में माइनस लगता है, और इसका होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉरी यहाँ माइनस होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही आता है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों e टू दी पावर x ही आएगा। अब लॉग ऑफ x है, लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x लॉग x माइनस x प्लस सी। अब वन बाय एक्स है तो वन बाय एक्स का हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, क्योंकि यहाँ टेन एक्स का हुआ था क्या, कहाँ टेन एक्स का हुआ था डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए यहाँ सेक स्क्वायर का हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है तो इसीलिए हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा हुआ था क्या कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स इसका भी हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका होगा कॉट एक्स, उसका डीसी हुआ था कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स है तो इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो है तो इसका हो जाएगा माइनस सी ओ एस ई सी कोसेक एक्स प्लस सी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के उल्टे इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ था सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, इसका अपोजिट आता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन में एस के पदों में माइनस लगेगा, जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ वहाँ माइनस लगेगा, और इंटीग्रेशन में जहाँ जहाँ सी रहेगा वहाँ वहाँ माइनस लगेगा।
तो ऐसे हम आसानी से कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले पार्ट में बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में, और उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, उसके फॉर्मूले बताऊंगी, और अगले वीडियो से मैं सॉल्व करके भी इंटीग्रेशन बताऊंगी। अभी मैं फॉर्मूले बता देती हूँ।